पीजनवल्लभागिरिवरधारी <coughs> <coughs> यशोदानन्दन दाना व्रजनरञ्जन यशोदा यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशो नन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरीवर धारी गोपी जनम यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदन यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदानन्द jamuna tiravan chari jamuna tiravan jamuna tiravan chari jamuna tiravan jay radha Madhava Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama Om Ram, Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram, Hare Ram Ram, Ram, Ram Hare हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हर ram hare, rama 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 <clears throat> hare krishna hare krishna krishna krishna, krishna hare 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 ram hare rama rama ram hare rama. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Rama Rama Hare, Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram, Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare <coughs> Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram ललितवि सखा जय राधेशा ललितवि सखा जय राधेशा कवि सख जय राधेशा ललिताविसखा जय राधेशा जया गौरनिताय जया गौरनिताय पति तवना गौरनीताय गौरताय जय गौरताए पतित पावन जया प्रभु पाद जया प्रभु पाद जगद गुरु श्रीला प्रभु पाद अनिताय गौर हरि 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 बोल श्री श्री कृष्णमल की श्री <coughs> श्री श्रीपतिभावन गौरनीताई की श्री yeah. श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की yeah. ग्रंथराज की भगवद्गीतावृंदकी नीतायोर प्रेमंदी ओम ओम अज्ञानमतिरांध्य ज्ञानाजनशलाकया चक्षुर्निमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणलललललललललललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तराधाकान्तनमस्तु ते तप्तकाञ्चनगौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च <coughs> पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने क्रिष्ना गौरत्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यृपा तमहम वंदे परमानंदमाधव सो आज हम श्रीमद् गीता के सोलमा अध्याय जो कि दैवी तथा आसुरी स्वभाव शीर्षक ये अध्याय है तो <coughs> दैवी एवं आसुरी स्वभाव इस विषय में ये अध्याय भगवान स्वयं अपना मुखारविंद से किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भजन किया जाए प्राणियों का मनुष्य का आत्मकल्याण हो तो उस विषय का जो गंभीर बातें हैं तो कि आसुरी स्वभाव एवं दैवी स्वभाव इन दोनों को विचार करके आसुरी स्वभाव को परित्याग करके दैवी स्वभाव को ग्रहण करके ही भगवान श्री कृष्ण का भक्ति की जा सकती है तो उसी परिप्रेक्ष्य में तो ये सोलहवा अध्याय प्रारंभ हो रहा है तो प्रारंभ से पहले थोड़ा हमें उपक्रम स्वरूप दैव आसुरी इन विषय में थोड़ा हमको जानना पड़ेगा वास्तव में ये आसुरी स्वभाव क्या है भगवान तो बताएंगे वो लक्षण सब जिन जिन में ये सब लक्षण है तो वो असुर एवं राक्षस है और जिनमें दैवी गुण है तो वो भगवान के भक्त है तो उनका विषय में भगवान कहेंगे पिछले अध्याय में यानी पंद्रह माह अध्याय जो पुरुषोत्तम योग नाम का जो अध्याय है उस अध्याय में दूसरे श्लोक अधश्च मूला न्युनुसंतता कर्माुबीनी मनुष्य ये श्लोक आया है उसमें उस श्लोक में, में मनुष्य देह में पूर्व जन्म के कर्मानुसार जो अभिव्यक्त होने वाले जो वासनाएं हैं वो संसार की जड़ है क्योंकि वासना से ही मनुष्य का उत्पत्ति है सारे प्राणियों का उत्पत्ति अपने वासना के कारण है ना तो उन वासनाओं जो मनुष्य देह में पूर्व जन्म के व रूप जो वासना है वो संसार उसका संसार का वो मूल कारण है और ये तीन प्रकार के वासना है एक तो दैवी वासना आसुरी वासना और राक्षसी वासना है पर यहाँ पर तो आसुरी स्वभाव कहा गया और राक्षसी स्वभाव कहाँ से आ गया तीसरा वास्तव में नवम अध्याय में मोघाशा मोघकर्माण मोघ ज्ञान विचेतश राक्षसीम आसुरीम च प्रकृति मोहिनीम श्रिता ये आसुरी और राक्षसी दोनों यद्यपि एक ही है पर स्वभाव से भिन्न होने के कारण उनको अलग अलग रूप से उनका गुणधर्म को अलग 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 करके बताते हैं क्या है आसुरी राक्षसी एवं दैवी जो प्राणियों के उन जो दैवी आसुरी और राक्षसी प्रवृत्तियों को नवम अध्याय में विस्तार पूर्वक कहा गया है जो आ, दैवी गुणों को व दैवी प्रकृति को आश्रय करके भगवान का भजन करते हैं तो प्रभु कहते हैं कि महात्मा नमस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन दे अन्य मनसो ऐसे अनेक श्लोक कहेंगे वो दैवी प्रकृति का विषय में वहाँ पर विस्तार पूर्वक विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है और अनेक जगह में दूसरा अध्याय में पाँचवा अध्याय में सातवें अध्याय में तेरहवा अध्याय में चौदमा अध्याय में ऐसे ही जगह जगह पर भगवान उनके भक्तों का जो गुणधर्म है वो दैवी गुण संपन्न होने के कारण उस प्रकार व्यक्ति को व्यक्तियों का वर्णन उसमें किया गया है उनमें ये जो दैवी आसुरी एवं राक्षसी उस विषय में हम थोड़ा विभाजन पूर्वक विवेचन करेंगे उनमें से जो वेद भीतः कर्म जो कि आत्मकल्याण का जो मार्ग है यानी भगवत भक्ति जो आत्मकल्याण का मार्ग है उस विषय का जो उपाय है मार्ग है तो उनके अनुष्ठान में जो प्रवृत्ति स्वरूप जो शुभ वासनाएँ हैं ये दैवी वासना मनुष्य जिन वासनाओं के कारण अपने आत्मकल्याण एवं आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति है दैवी प्रवृत्ति है न इसलिए ये कहते हैं कि जो वेद भीत वेद में इस प्रकार विधि और निषेध रूपक अनेक वाक्य हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किम कर्मम किम अकर्मम इति जैसे भगवान कहे कवय अप्यत्रोहिता तो कर्म और अकर्म में जो भेद है सामान्य व्यक्ति के बोध होना ये बहुत मुश्किल है तभी तो हम संसार में इतने प्रकार का प्राणी हम देखते हैं चौरासी लक्ष्य प्रकार का इन वासनाओं के कारण हमें इस प्रकार शरीरों को प्राप्त हुए हैं तो जो वेद विहित कर्म जो आत्मकल्याण का मार्ग एवं आत्मज्ञान का जो उपायों के अनुष्ठान में प्रवृत्ति कराने हेतु तो जो सात्विक प्रवृत्ति है यही दैवी प्रकृति है दैवी स्वभाव यही है क्योंकि आत्मकल्याण आत्मकल्याण यानी आत्यंतिक दुख का निवृत्ति एवं परमानंद अवाप्ति, आत्यंतिक और फिर जिसको जान लेने पर जिस भक्ति में स्थित हो जाने पर जिस ज्ञान का अनुष्ठान करने पर और फिर हम हमें पुनः ये शरीर को प्राप्त नहीं होते तो ये है आत्यंतिक फिर दोबारा उस शरीर जो शरीर का जो गुणधर्म है ये चार है जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सबसे कष्ट प्रदायक पीड़ादायक इनसे हम छूट जाते हैं है ना तो आत्यंतिक दुख दुख के निवृत्ति एवं परमानंद हमारे जो स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का अंश होने के कारण वास्तव में हमारा स्वरूप तो आनंद स्वरूप ही, ही है लेकिन कुछ वासनाओं के कारण अब उन वासनाएँ हमको प्रवृत्त कराते हैं तो इसलिए ये कहते हैं कि उन वेद विहित आत्मकल्याण का मार्ग आ, का जो उपाय का अनुष्ठान में प्रवृत्ति कराने हेतु जो सात्विक प्रवृत्ति है यही दैव प्रवृत्ति प्रकृति कहलाती है इस प्रकार वेद में अनेक निषिद्ध वाक्य है निषिद्ध वाक्य माने कलंजम माँ भक् माँ भक्षेत है ना तो कलंज यानी विष मिश्रित मांस उसको खाने के लिए शास्त्र निषेध करता है भगवान कहते हैं कि कलंजम माहक्षेत तो उस प्रकार निषेध वाक्य अनेक है इस प्रकार भक्ति में जो प्रतिकूल है तो उनको प्रभु अलय करते हैं ताकि हमारे भक्ति मार्ग में तो वो रोड़ा न न पड़े तो इसलिए ये कहते हैं कि वैदिक निषेध का जो उल्लंघन करते हैं जो निषेध है उसका उल्लंघन करना अर्थात वो निषेध वृत्ति में वो प्रवृत्त होना जिसको मना कर रहे हैं उस कार्य में प्रवृत्त होना इसी को कहते हैं कि निषेध का उल्लंघन करके स्वाभाविक जो उनका जो प्रवृत्ति है राग द्वेष को उल्लंघन करके स्वभाव सिद्ध राग द्वेष का अनुसरण करने वाला संपूर्ण अनर्थ का जो मूल कारण है प्रवृत्ति है उसका जो हेतु है हे कारण है उसको राजसी एवं तामसी वासना कहते हैं ये वासना राजसी भी है और तामसी भी है क्यों ना उन वासनाओं से प्रवृत्त होकर व्यक्ति मनुष्य जो शास्त्र में निषेध वाक्य है जो 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 निषेध किया गया उन निषेधों को उल्लंघन करते हैं तोड़ते हैं और अपना इच्छा के अनुसार वो उसमें प्रवृत्त होते हैं तो ये है राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति है तो ठीक ये राजसी और तामसी प्रवृत्ति है और इन दोनों में राजसी और तामसी प्रवृत्ति में ही आसुरी और राक्षसी तो उसमें भी फिर दो भेद करते हैं तो राक्षसी ये ता, राजसी तामसी में जो आ, आसुरी एवं राक्षसी प्रवृत्ति उनका विवेचन करते हैं ये आसुरी और राक्षसी प्रकृति कहलाती हैं तो आसुरी प्रवृत्ति क्या है और राक्षसी प्रवृत्ति क्या है ये दोनों को हम जानेंगे क्योंकि दैवी प्रकृति विषय में बहुत कुछ विवेचन पूर्व अध्याय में हो चुके हैं है ना? तो जिन जिन भाव को लेकर मनुष्य भगवान के भक्ति एवं ज्ञान में प्रवृत्त होता है वो शुभ वासना है वो शुभ वासना ही जो भक्ति को भक्ति में प्रेरित करता है भक्ति में संलग्न होने के लिए वो प्रेरित करता है वो शुभ वासना है तो वो दैवी प्रकृति है अब जो है इनमें से जो विषय की विषयभोग की जो प्राधानता है राक्षसी आसुरी दोनों में भोग की प्रधानता है अब और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस करके बताते हैं विषय भोग की प्रधानता से राग की प्रबलता होने के कारण प्रधानता है विषय भोग और उसमें राग की प्रबलता होने के कारण वो आसुरी कहलाते हैं है ना भोग प्रधान लेकिन भगवान ठीक इसका क्योंकि आसुरी ये है आसुरी वही होते हैं जो भगवत विद्वेषी भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम भोक्ता तो प्रभु है भगवान श्री कृष्ण है पर ये कहते हैं नहीं ईश्वर हम अहम भोगी सिद्ध हम बलवान सुखी ऐसे कहेंगे तो इसलिए उनमें ये विषय भोग की प्रधानता है और उस भोग प्रधानता के कारण जो राग की प्राबल्य राग माने आसक्ति भोग को भोगन, भोगने के लिए जो आसक्ति वस्तु में विषय में वो उनका आसुरी स्वभाव है पना है ये हो गया आसुरी भोग की प्रधानता से राग की प्राबल्यता प्रबलता है ना ये हो गया आसुरी और राक्षसी क्या है तो हिंसा की प्रधानता से द्वेष की प्रबलता होने से है ना हिंसा यानी प्राणी मात्र में जो पीड़ा है ना भोग मनुष्य को तभी प्राप्त होता है जब वो अन्य को कष्ट देता है देखिए जहां भी अब धन में है जन्म में जो भी हो हम जो भी उपार्जन करते हैं हमारे शरीर निर्वाह से आ, अतिरिक्त जो हम संचय करते हैं तो पर पीड़न से ही आता है हम एक विशाल फैक्ट्री हम खोले हैं तो लेबर को उसमें एम्प्लॉय दिया तो उनको वास्तव में जितना उनका आ, जो परिश्रम है श्रम है तो श्रम के अनुरूप हम हम नहीं देते हैं अगर देंगे तो हमारे मुनाफा हम नहीं कमा पाएंगे तो उनका लुहान से उत्पन्न जो मुनाफा है ये भोग अधिक जो मालिक के पास जाता है ये भोग की प्रवृत्ति है तो उससे उनको पीड़ा श्रमत होता है तो इसलिए कहते हैं हिंसा की प्रधानता से जो द्वेष की प्रबलता है तो ये राक्षसीपन है राक्षसी हिंसा दूसरे को पीड़ा देकर अपने सुख भोगना यह राक्षसी प्रवृत्ति इस प्रकार भोग की प्रधानता से है ना विषय भोग की प्रधानता से राग की प्रबलता प्रबलता जो है यह है आसुरी और हिंसा के प्रधानता से जो द्वेष की प्रबलता है उसको राक्षसी कहते हैं ये अभी राक्षसी और आसुरी ये दो स्वभाव हमको मिला और तीसरा हो गया दैवी दैवी प्रकृति <coughs> लेकिन प्रभु ने भगवान ने दैवी तथा आसुरी बताया तो इसमें ये जो भेद हम बताए आसुरी और राक्षसी में ये दोनों को ये भोग की प्रधानता से ही दोनों को एक रूप में करके भगवान ने ये आसुरी स्वभाव बताया आसुरी से आसुरी एवं राक्षसी दोनों ही आ जाते हैं तो इसलिए इस प्रकार तो आ, इस प्रकार इनका जो भेद ये हम आसुरी राक्षसी एवं दैवी ये भेद हम समझ लिया तो जो शास्त्र के अनुसार शास्त्र विहित कर्म में प्रवृत्ति के हेतु होता जो सात्विक शुहावासना हम कहें तो ये है दैवी संपद कहलाते हैं और शास्त्र के उल्लंघन पूर्वक जो शास्त्र निषिद्ध विषय में प्रवृत्ति की हेतु जो राजसी और तामसी अशुभ वासना है वो राक्षसी और आसुरी ये प्रकृति वाले हैं ये दोनों को एक करके भगवान ने आसुरी स्वभाव बताया दैवी आसुरी स्वभाव है ना तो अब दैवी आसुरी और राक्षसी इन प्रवृत्तियों को हम सम प्रकृतियों को हम समझने के बाद अगर हमको भगवान का शरण में जाना भगवान का भक्ति करना तो आ, जो आसुरी प्रवृत्ति यानी राक्षसी एवं आसुरी ये दोनों प्रकृति को त्याग करके केवल दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर हम भगवान का भजन करेंगे तो इसीलिए कैटेगरी इसको अलग अलग करके भगवान ने बताए तो इसलिए दैवी प्रकृति का विषय में पूर्व अध्याय में बहुत सारे श्लोक कहे गए हैं जैसे कि हम बताया दूसरे है पाँच माह है और सात माह है बारहवा है तेरहवा है चौदह है ऐसे माह है इसे इन अध्याय में ये सब कहा गया तो उनसे पृथक करके आसुरी राक्षस प्रकृति को पृथक करके दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर भगवान का भजन करने का जो विधि है उसी को आरंभ करके उसको पुंगानुपुंग विवेचन करके क्या है दैवी प्रकृति एवं क्या आसुरी एवं राक्षसी प्रकृति तो उसको आरंभ करने के लिए ये सोलहवा अध्याय प्रारंभ हो रहा है तो शुरुआत जबकि उन्होंने पूर्व पूर्व अध्याय में आ, इस दैवी प्रकृति का विषय में पुंखानुपुंख वो सब विवेचन किए हैं फिर भी हमको शुरुआत तीन श्लोक में ये दैवी प्रकृति का बारे में बताते हैं जिन प्रकृति का आश्रय आश्रय में हम भगवान का भक्ति कर सकते हैं तो उन श्लोक तीन श्लोक में कहते हैं श्री भगवान अभयम् अभयम सत्संशोधि ज्ञान योग व्यवस्थित दान दमश्च स्वाध्याय स्तप आर्जव अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलुप्तं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिताम् अभिजातस्य भारत तो श्री भगवान वाच भगवान ने कहा हे भरतपुत्र निर्भयता आत्मशुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान का, का अनुशीलन दान आत्मस्वय यज्ञपरायण यज्ञपरायणता वेदाध्ययन तपस्या सरलता अहिंसा सत्यता क्रोधभहीनता त्याग शांति छिद्रन्वेषण में अरुचि समस्त जीवों पर करुणा लोभ विहीनता भद्रता लज्जा संकल्प तेज क्षमा धैर्य पवित्रता ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुष में पाए जाते हैं तो पूर्व अध्याय में जो विवेचित महात्मा जो भगवान के भक्तों का आ, जो स्वरूप है तो उसको वर्णन करके अभी अध्याय प्रारंभ प्रारंभ में तीन श्लोक द्वारा हमको स्मरण करा देते हैं कि पूर्व पूर्व जो हमने कहा भगवान का जो जैसे कि नव मध्यामिका महात्मा नमस्तुमा पार्थ प्रकृति प्रकृतिमास्थित ऐसे ही जो महात्मा जन होते हैं मेरी जो दिव्य प्रकृति है तो उसको आश्रय करके मेरा भजन करते हैं तो उन ये सब ये सारे जितने गुण बताए हैं ये तीन श्लोक में तो एक एक प्रभुपा जी ने तो बहुत विस्तार पूर्वक कहा है तो ये कहते हैं कि अभयम भय शून्यता किससे भय हमारे भगवान के शरणागत हुए बिना जीवों को अभयता प्राप्त होना असंभव असंभव इसलिए जब मनुष्य इस प्रकार भगवान का शरण में चले जाते हैं तो समस्त प्रकार भय से ये मुक्त हो जाता है क्योंकि जो बेचा हुआ पशु वो अपना निर्वाह का परवाह नहीं करता है बस मालिक के द्वारा जो दिया गया उससे ही वो संतुष्ट रहता है उसी प्रकार जो शरणागत भक्त है तो प्रभु के कृपा का ऊपर ही उनका ऊपर छोड़ देता है सब प्रभु निर्वाह करते हैं जब तक हम हमारे प्रयास से अन्य प्रभु के अतिरिक्त अन्य इसलिए कहें अनन्यश्चिंतो माम न अन्य अनन्य मेरे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष कोई व्यक्तियों से अगर वो सहायता लेता है तो फिर अन्य आश्रित हो गया प्रभु उतना उनका पालन पोषण नहीं करते पूर्ण निर्वाह नहीं करते जब जिस दिन प्रभु का शरण में आत्मसमर्पण कर दिया जो भी होगा मानस देह गेह जो जो किचू में तो ये सब जब समर्पण कर दिया तब प्रभु पूरा संपूर्ण दायित्व तो उसका वहन करते हैं सब ऐसे ही शरणागत भक्त जैसे आम आदमी हम जैसे खाते पीते जो भी सेवा करते वैसे ही करेगा ठीक समय लेकिन उसका जो इच्छा है भगवान की इच्छा से भिन्न नहीं है तो एक ही प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि जब व्यक्ति का शरणागत भक्त का जब इच्छा प्रभु के इच्छा के साथ मर्ज हो गया मिल गया प्रभु के इच्छा ही उनका इच्छा तो फिर ही प्रभु के साथ एकाकार हो गया यानी उनके साधर्म्य में आ गया अभी प्रभु उनका सब निर्वाह करेंगे वो पूर्व में जो अपना अज्ञानवश जो हमारे त्रुटियाँ होती थीं तो और नहीं होगा क्योंकि सब इशारा वहाँ से ही है सारे कर्म सारे भगवत अनुकूल प्राणियों का हित के लिए तो ये है अब जब इस प्रकार शरणागत भक्त है तो संन्यास है आ, ये व्यक्ति ये नहीं कहता कि आ, सर्वस्व में समर्पण करने के बाद मेरे पास कुछ नहीं रह गया मैं कैसे फिर जो अवशिष्ट जो जीवन उसका कैसे निर्वाह करूँगा कैसे होगा इस प्रकार भय शून्यता उसमें नहीं रहता है अभयम सत्वसंशुधिर सत्व संशुधिर यानी अंतकरण सत्व यानी अंतकरण है ना उनका शुद्धता है ना अंतकरण की शुद्ध देखिए अंतकरण करण माने इंद्रिया है ना अंत अंतकरण कौन है मन ही मन अंतर इंद्रिय है तो मन यद्यपि एक है तो लेकिन वो फंक्शनल है तो जब जब जिस प्रकार कर्म करता है उसी प्रकार उनका मन बुद्धि चित्त अहंकार ये पड़ गया इनका शुद्ध शुद्धिता शुद्ध, अंतकरण का शुद्धिता जैसे कि अब हम अज्ञान अवस्था में अपने इच्छा अनुसार अज्ञान अवस्था में जो हमें हमारे रुचि है उसी के अनुसार हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं लेकिन यह नहीं विवेक के द्वारा हम नहीं समझ पाते हैं कि ये जो कर्म में हमें प्रवृत्त हुए उसका जो परिणाम फल वो शुभ या अशुभ लेकिन जब शरणागत भक्त उनका भी ये बुद्धि चित्त अहंकार ऐसे ही है लेकिन सब शुभ है सब भगवत प्रेरित होने के कारण वहीं से सब प्रेरणा है उनका और कुछ ना होने के कारण वो बिल्कुल अभय रहता है ये अंतकरण का शुद्धिता और ज्ञान योग लगते हैं ज्ञान ज्ञान और योग संयुक्त है ज्ञान में स्थित हो होना ज्ञान देखिए योग शब्द का अर्थ हैं योग है देखिए संस्कृत में ऐसे ही है कि यू मिश्रणा मिश्रण है ना? मिश्रण एक ही अर्थ है मिश्रण मन मिलाना और अमिश्रण मन अलग करना इस प्रकार योग का भी ऐसा ही है योग का अर्थ मिलन और विच्छेद भी है ये कैसे योग्थ मिलन और विषय जब हम भगवान से मिल जाते हैं तो फिर संसार का अलग हो जाता है संसार से अलग हो जाते हैं हम और जब संसार में हम रहते हैं तो भगवान से अलग है तो इस प्रकार ये ज्ञान में स्थित होने के कारण तो उनको भली भांति ज्ञात है कि प्रभु एकमात्र हमारे शरण के योग्य है तो उनके शरण के बिना संसार में और जिस किसी के शरण में जाएंगे तो कुछ ना कुछ अनर्थ तो होगा ही होगा पूर्ण सुरक्षता सुरक्षा तो है हो ही नहीं सकता तो ये है ज्ञान योग फिर कहते हैं दानम दानम तो दैवी प्रकृति में श्रित जो मनुष्य वो दान देता है जैसे हमारे अभी चल रहा है प्रसंग बलि महाराज का बलि महाराज दान देना दान का स्वरूप ऐसे ही है दान का परिभाषा है स्वस्वत्व ध्वंसपूर्वक परस्वत्व उत्पादनम दानम अपना जो मालिक आना है तो उसको संकल्प के द्वारा पहले ब्राह्मण को बुलाकर संकल्प के द्वारा इसीलिए बलि महाराज ने बोले कि आप मांगो क्या मांगना चाहते हो इतने छोटे से बालक है ब्राह्मण है अब अब क्या तीन पग भूमि मांग रहे हैं अरे एक राज्य मांगो एक राष्ट्र मांगो और कुछ भूमंडल मांगो ऐसे ही क्या? ब्राह्मण है हम संतुष्ट है बस इतना ही मुझे दे दीजिए पर आप संकल्प आप संकल्प करो पहले संकल्प करो देने के लिए तो तभी तो शुक्राचार्य ने उन्होंने समझ लिया अरे बाब अरे बाब अभी तक कोई ऐसे ही व्यक्ति आया नहीं जो बलि महाराज से मांग कर मांगने से पहले वो संकल्प करवाता है और उन्होंने तो थे ही विद्वान बड़े ऐसे ही तैसे के गुरु इसके मतलब नहीं है कि वो अज्ञानी है है नहीं सब ज्ञान संपन्न है सारे लक्षण से उन्होंने टटोल लिया ये तो स्वयं साक्षात भगवान नारायण विष्णु है बलि सावधान है ना तो उस प्रकार ये कहते हैं कि दान जब स्वस्वत्व ध्वंस संकल्प के द्वारा अपना जो मालिकाना है उसको हटाएंगे पहले फिर परस्वत्व उत्पादन जिसको दान देंगे भी प्राय गाम ददाती तो विप्र को जो गाय देंगे तो विप्र में वो मालिकाना उसमें स्थापन करना है उत्पन्न करना है ये है दान और दान देने से हम तो किसी को अगर कोई भिकारी आते हैं तो दस रुपया देते हैं कि नहीं देते हैं और फुट फटे पुराने यही सब चीज़ दे कर उसको भगा देते हैं लेकिन बली महाराज दान देने में इतने माने प्रहर्ष होते थे एक, एकदम अंदर से पूरा माने आनंद को अनुभव करते हैं तो ये दैव संपन्न व्यक्तियों का लक्षण है दान जब देते हैं अंदर से वो प्रसन्न रहते हैं दुखी नहीं आज मैंने इतना दे दिया तो कम हो जाएगा हमारे ऐसे ही नहीं तो दानम और दमश्च दम माने बाह्य इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय है ना जो हमारे ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं पांच कर्मेंद्रियां हैं ये इनका स्वयं करना है ना जो दैवी प्रकृति क्योंकि जो भगवान का भजन करते हैं भगवान का आश्रय में चले जाते हैं तो उनका ये जो संसार में जो पांच वस्तु हमारे आकर्षणीय वस्तु होते हैं शब्द स्पर्श रूप गंध ये इंद्रियों की प्रलोभन देखा कर मन के द्वारा उनको खींचते हैं पाने के लिए वो प्रयास करते हैं पर भगवान का जो रूप गुण लीलाओं को जो स्मरण करते हैं और चिंतन करते हैं तो ये बाह्य विषय से अपना आप ही वो निवृत्त हो जाते हैं दमश इसलिए बाह्य इंद्रिय उनका समित है पूरा कंट्रोल्ड यज्ञ यज्ञ करते हैं यज्ञ का अर्थ होता है यज्ञ का एक नाम है विष्णु यज्ञ वही विष्णु तो यज्ञ वही होता है जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले कार्य होता है तो उस दैवी आश्रित व्यक्ति का सारे कर्म भगवान को प्रसन्न कराने में ही है है ना यज्ञ और स्वाध्याय वेद वेदांत अध्ययन भक्ति, शास्त्रों का भागवत गीता इनका अध्ययन ही उनका आहार है स्वाध्याय और तप तपसा चेते ब्रह्म तपस्या ही तपस्या से ही ब्रह्म प्रसन्न होते भगवान प्रसन्न होते हैं हम कहते हैं नहीं तपस्या करने क्षीण हो जाएगा दुर्बल हो जाएंगे नहीं तपस्या का बल अब भगवान रामचंद्र जब वनवास में थे रावण स्वर्ण नगरी का अधिपति और उनको स्वयं ये कहते हैं अरे ये तपस्वी भी भीख मांगे ये दोनों ये क्या मेरे बिगड़ सकता बिगाड़ सकते हैं ऐसे ही कहता था तपस्या का बल देखो अके अकेले ही भगवान उसको खत्म कर दिए तपस्या का बल ये आरजब रिजू सरलता कुटिलता नहीं किसको वंचना करके किसको ठग कर ए नहीं यथा यथा रूप वो कहेंगे जो भी है वो सच सच ही बोलेंगे यही है उनका सरलता यही आरजब है अहिंसा प्राणी मात्र में जो पीड़ा देना वो उनमें नहीं है ये सभी में सभी प्राणियों का अंदर ही भगवान को देखते हैं जब हम मनुष्य भगवान का शरण में चले जाते हैं तो भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सभी को ही वो वासुदेव सभी का अंदर विनय संपन्न सभी में भगवान को देखते हुए वो किसको हिंसा करेगा मुझसे अगर भिन्न हिंसित वस्तु हो हिंसा करने तो हो तो उसके हिंसा करे तो हिंसा अभाव अहिंसा पर पीड़ा उनमें ये ये गुण नहीं है और सत्यम सत्य बोलना वस्तु तो स्थिति जैसी है ऐसे ही वर्णन करना बढ़ाना नहीं घटाना नहीं यही है सत्यता सत्यता का शास्त्रीय ऐसे ही है व्युत्पत्ति है कि त्रिकाल अबाधित्व सत्यत्म तीनों काल में जिसका बाध ना हो ये सत्य है है ना तो इस प्रकार आ, वो सत्यवादी होता है और क्रोध रहित तो होता है वास्तव में हम जानते हैं क्रोध का उत्पन्न कैसे होता है जब हमारी इच्छा बाधित तो होता है है ना प्रसिद्ध श्लोक गीता गीता के हाँ ध्याते विषयान पुरुष संगस्तेषुपजाएते संगात संजाएते काम कामात् क्रोध विजाएते क्रोधात भवती सम्म ये चलता है ऐसे है ना तो जब हमारे कामना इच्छाएँ तो होती हैं तो उस समय क्रोध उत्पन्न होता है इनका तो इच्छा है ही नहीं प्रभु का जो इच्छा है सो इच्छा है, तो प्रभु के आ, इच्छा से उनको कोई चीज का कामना नहीं रहती उनका शरणागत भक्तों का ये लक्षण है कि वो अक्रोध है नहीं? अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय क्रोध रहते जगाए मादाये उनका सर फोड़ दिए फिर भी प्रभु ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया फिर भी उन्होंने रोक दिया प्रभु ये ये आपका इस अवतार में नहीं जो पहले हो चुका है हो चुके अब तो आप प्रेम दान करके ही उनको उद्धार करो प्रभु के चरण में पड़ गए और ये देखकर कर जगह मधे कंपने लगे अरे हमने उनका सर फड़ा और उन्होंने हमको क्षमा करके और प्रभु को सुदर्शन को प्रत्यावर्तन करने के लिए वो कह रहे ये है भक्तों का लक्षण है अक्रोध और त्याग त्याग वास्तव में त्याग भक्त जानता है भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं वो जानते हैं कि त्याग हमारे पास है क्या ईशावास्यम इदम सर्व यंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृद्ध का शस्वी धनम सबको ईशावास्यम ये समझकर प्रभु का ही सब कुछ है प्रभु ही सब कुछ है ईशा ये तृतीयांत है प्रभु के द्वारा ही ये सब आच्छादित है ये सब प्रभु ही बने हैं ये हमारे भेद दृष्टि से हम जो व्यावहारिक में ये सब करते हैं जब उस स्थिति में जाएंगे तो देखेंगे प्रभु के अतिरिक्त तभी तक तो कहते हैं प्रभु वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ बहु नाम अंते ऐसे तो सर्वत्र समदर्शनम श्या राममय सब जग जाने ये है त्याग तो फिर क्या क्या त्याग करेंगे यही है ईशा वाषमी इदम सर सब कुछ भगवान है और भगवान का ही है इस इस प्रकार जो समझ है यही त्याग है और वो त्यागत शांति उस त्याग से ही शांति प्राप्त होता होती है ना कि भोग से भोग से तो रोग है भोगे रोग भय लेकिन त्याग से शांति अपिशुनम पिशुना <laughs> गुरु ज्येष्ठ श्रेष्ठ में ईर्षा वर्ष है ना छिद्र दोष आविष्कार करना क्योंकि आसुरी स्वभाव है ना तो मेरे से और कोई बड़े नहीं अहम मैं ही ईश्वर हम तो मुझसे और बढ़कर संसार कौन है तो ये जो छोटे छोटे द्वेष अन्वेषण करना ये विष्ण है लेकिन भगवान के भक्त में ये नहीं अपि शूनम पिष्ण शून्यता पर छिद्र अन्वेषण का अभाव है और दया सभी प्राणियों में दया देखते हैं वासुदेव तो घोष कहते हैं कि प्रभु संसार में जितने भी प्राणी है सभी का दुख मुझे दीजिए और सभी को उधार कर दीजिए दया ना तो सभी प्राणियों में ये दया भाव और, और लोलोकत्म जो लालचीपना है ना तभी ये आसुरी स्वभाव ऐसे ही होता है आ, इद, इदम अद्य मयालब्धम है ना इम प्राप से मनोरथम ऐसे कहते हैं आज मुझे इतना प्राप्त हुआ फिर और भी आ जाएगा ऐसे ही ये लेकिन जो भगवान का भक्त है तो ये कुछ बांछा व इच्छा नहीं करता है उसका पास क्योंकि कुछ अभाव हो तो है ना जैसे भगवान ये पूर्ण वस्तु है उनका कोई कोई इच्छा नहीं किसी में नहीं नम कर्माणी अर्जुन ने पूछा प्रभु आप इतना कर्म करते हैं तो आपको क्यों ये कर्म लिपा नहीं करता है नमें कर्माणी लिमपन्ती नमे कर्म फलेश अगर अभाव हो तो मैं कुछ प्राप्त करने के लिए चाहता हूं तो इस प्रकार उनमें यह सब नहीं है आ, और आ, अलुल मृदुभाव मृदु कोमलता है ना टेढ़ा कर्कश क्रूर स्वभाव नहीं है भक्त हमेशा माने सरल एकदम मृदु भाव और लज्जाशील होता है जब उन्हें निषिद्ध कर्म में निषिद्ध कर्म को देखता है तो आँखें बंद कर देता है और लज्जा आती है व्यक्ति को इस प्रकार आ, आ, ये में कर्म में प्रवृत्त होने के लिए ए, और अचापल्यम चपलता नहीं है आज ये है वो है ऐसे ही नहीं संकल्प भी कल्प नहीं है अचापल्यम तेज तेज प्रागल्भ माने किसी के वश्यता स्वीकार नहीं करता है प्रभु के अतिरिक्त और किसी के बस में नहीं होता है स्त्री बालक वृद्ध इनका बस में नहीं आना ये प्रागल्भ तेज है क्षमा जानते हैं सभी को यद्यपि दंड देने के लिए सामर्थ्य उसके पास है पर वो दंड नहीं देता है और क्षमा कर देता है दूसरे से पीड़ित तो होकर उसको क्षमा कर देता है और वो क्षमा इतना बलशाली इतना ये होता है कि वो व्यक्ति जो तो उसको अहित पहुंचाए पहुंचाया पीड़ा दी तो दी और दो बार उसको ऐसे ही कभी सोचेगा नहीं अरे मैंने जो भी इसके साथ बर्ताव की ये तो मेरे लिए मृत्युदंड था लेकिन उसमें मुझे क्षमा कर दी कितने करुणा ये क्षमा सागर ये तो क्षमा धृति धृति का धृति ये कहते हैं धैर्य है ना तो भगवान के भक्त भक्त में ये धैर्य भाव अधिक होता है अधिक होता है है ना? तो तत्काल प्रतिक्रिया ये व्यक्ति नहीं करता है धैर्य धारण करता है वस्तु प्राप्त होने तक उनका धैर्य बना रहता है तो धृति और शौच जैसे ऊपर में कहा गया ना, शुद्धि आ तो सत्व संशुद्धि ये शौच शुचिता पवित्रता ये हमारे बाह्य आभ्यंतर आभ्यंतर सुचित सत्व संशुद्धि हो गया बाह्य जैसे हमारे शरीर में आठ बजे तो साढ़े आठ न ठीक <laughs> ये सब दैवी संपद है है ना ये देवताओं का ये सब संपद है इसलिए ये सब भगवान के भक्तों के ये गुण पाए जाते हैं भक्तों में ये पाए इसलिए जो भगवान का दैवी प्रकृति का आश्रित होते हैं तो ये सब ये सारे भक्ति के अनुकूल है भगवान का चरण में भक्ति करने के लिए इतने गुण ये सब अनुकूल है और इनमें से अगर एक उनमें है तो पूर्ण शरणागत भक्त का वो लक्षण नहीं हो सकता है तो ठीक है इतना ये कर दिया अभी हमें आसुरी संपद को हम वर्णन करेंगे समय चल चले जा रहे हैं तो चतुर्थ श्लोक में अब कहते हैं कि आसुरी यहाँ से अध्याय परिसमाप्ति पर्यंत जितने भी श्लोक खुँ, आएंगे भगवान कहेंगे वो सब आसुरी मतलब राक्षसी और आसुरी दोनों का अभी मिला दिया ना दोनों का एक साथ मिलाकर उन्होंने आसुरी कहा तो अभी आसुरी संपद का वर्णन कर रहे हैं दम्भ दर्प अभिमान क्रोध चावि अज्ञानमचाभिजात पार्थ संपदमासुरिम् हे पृथापुत्र दम्भ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले वालों के गुण है जो कि भगवान के शरण जाने में ये प्रतिकूल है ये, ये इन गुण ये सब नरक के द्वार है आगे कहेंगे इसी अध्याय में श्लोक अध्याय का अंत में भगवान कहेंगे त्रिविधम नरक से दम काम क्रोध तथा लोभ तस्मात ये तत् त्रयम ये तीनों को काम क्रोध और लोभ ये नरक का राजमार्ग है हजमार्ग राज ये इसमें आसानी से आप नरक जा सकते हैं आसान ये है। तो कहते हैं दंभ दंभ और दर्प अभिमान अभिमान क्रोध पारुष्य अज्ञान और आभिजात्य ये सब आसुरी संपद है है ना? तो इनका अगर वर्णन करेंगे तो पूरा नहीं होगा तो तो ये सब आसुरी संपद है प्रभुपाजी ने लेके ही तो ये आसुरी संपद है ठीक है तो तीन श्लोक में दैवी और एक है चतुर्थ श्लोक में आसुरी इन इन्हीं का ही अबांतर भेद आसुरी संपद अभी प्रभु वर्णन करेंगे भगवान वर्णन करेंगे दैवी सम्पद विमोक्षाय निबान निबंधायासुरी मता माशुचह संपदम दैवी मभिजा पांडवा पांडव कहते हैं जो दैवी संपद है ये तो मोक्ष के लिए संसार बंधन से मोक्ष का कारण है ये दैवी प्रकृति है दैवी स्वभाव जो होता है ये मोक्षाय है ना और निबंधाय आसुरी मता जो आसुरी संपद होते हैं अभी जिनका वर्णन होगा ये सब संसार में बंधन का कारण बनते हैं जिनका आश्रय लेकर हम संसार में बंधन में पड़े हुए हैं तो हमको सोचना चाहिए हमारे अंदर जब तक हम संसार बंधन में हैं तब तब आसुरी या राक्षसी ये दोनों में किसी स्थिति में प्रकृति में हम स्थित है दैवी संपद विमोक्षाया या शुरी मत माशूच अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कहते हैं माशुच सम्पद दैवी अभिजातोषी पांडव तुम तो दैवी संपन्न गुणों को लेकर ही तुम्हारा जन्म हुआ है इसलिए तुम इस विषय में चिंता मत करो इसलिए कहते हैं दिव्य गुण मोक्ष के लिए है अन मुख्य के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है हे पांडुपुत्र तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्म हो तो सीधा सीधा अर्जुन को बता दिया कि तुम दिव्य गुण से संपन्न हो दिव्य गुण से संपन्न होकर तुम ऐसी कुल में जन्म लिया है तो इस आसुरी संपद का क्योंकि अर्जुन जैसे हम सुनते हैं ना आसुरी संपद हम जब तक संसार में है ये आसुरी और राक्षसी स्वभाव में हम स्थित हैं इस प्रकार अर्जुन भी हमारे तो प्रतिनिधि वही है ना तो उनका मन में अंदर ऐसे घबराहट हुआ कि अच्छा हमारे भी ऐसे तो प्रभा प्रभु उनसे सांत्वना देते हैं आप ही जाता पांडव है ना तो ये कहते हैं नहीं आप दैवी संपदी संपद को लेकर तुम जन्म लिया हो अब कहते हैं भूत दैव आसुर विस्तर सह प्रोक्त आसुर अब यहां से शुरू करते हैं भगवान कहते हैं ये सृष्टि में दो प्रकार का सर, माने सृष्टि है ना दो भूत सर्गौ माने प्राणी ये प्राणी का दो प्रकार का सृष्टि है एक अस्मिन लोके दैव आसुरच है ना दैव और आसुर यद्यपि ये दोनों कश्यप मुनि के दोनों पुत्र है देवता भी है और असुर भी है फिर दीति का ये सब दैत्य है और अदिति का ये सब देवता है लेकिन जो दीति के जो पुत्र है तो उनमें तो दो दो भाग हो जाते हैं कोई आसुरी है कोई राक्षसी है <coughs> तो इसलिए कहते हैं दो भूत सर्गवलोके दैव आसुरच दैव विस्तरश प्रोक्त प्रोक्त आसुर पार्थ मेस तो मैंने दैवी प्रकृति का विषय में तुमको पुंगानुपुंग अर्थात विस्तार पूर्वक सुनाया कौन सा कहाँ सुनाया तीन ये जो पहला तीनों श्लोक है अभयम सत्व संसुधिर ये तीन तीनों इनको प्रभु ने सूत्र आकार में दे दिया आप उनको व्याख्या करो उनको विस्तार करो उनका अर्थ क्या हो तो फिर ये विस्तार पूर्वक विस्तार पूर्वक हो गया दैव विस्तर से प्रोक्त दैवी प्रकृति को मैंने विस्तार पूर्वक कहा और आसुरम पार्थ में अब असुरी स्वभाव असुरी असुरी प्रकृति को अब सुनो <coughs> प्रवृत्तिवृत्ति चनादुरासुर जनाना न शौचम ना, ना चाचारो न सत्यम विद्यते वि प्रवृतिवृत्ति है ना प्रवृत्ति श्रेय निवृत्ति श्रेय मार्ग है आत्म आत्मकल्याण का जो साधनभूत जो विषय है तो वो है निवृति मार्ग निवृत्ति जिसको श्रेय मार्ग कहा जाता है है ना और निवृति प्रवृत्ति जो शास्त्रों को उल्लंघन करके अपने अपना भोग को प्राधान्य देकर जो शास्त्रों को उल्लंघन करके संसार में प्रवृत्त होते हैं तो वह है प्रवृत्ति प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च ये दोनों का उनको पता नहीं है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदु असुराह असुर जनाहा न विदु प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जो असुर लोग होते हैं ये प्रवृत्ति क्या है किस में हमें प्रवृत्त होना चाहिए और किसमें किस से निवृत्त होना चाहिए संसार से निवृत्त होना चाहिए न संसार में प्रवृत्त होना चाहिए ये विषय का ज्ञान उनमें नहीं है भोग प्राबल्य है ज्ञान विवेक न होने कारण अज्ञान से आच्छादित होने के कारण ये विवेक बुद्धि उनमें न होने कारण ये सब नहीं जानते न शौचम होंगे शुचिता पवित्रता भी नहीं है न शौचम ना, ना पीछा आचारो न चाचारो शुचिता पवित्रता उनमें नहीं है अंतर बाह्य दोनों में असुचि है ये दोनों और आचार भी ऐसे ही आचार मतलब आचरण उनका आचरण भी ऐसे ही है अशुद्ध आचरण है है ना <coughs> निषिद्ध आचरण को ही वो हमेशा करते हैं वो नहीं देखते हैं कि हमसे ज्येष्ठ है श्रेष्ठ है ज्ञानी है विद्वान है भक्त है कि अभक्त है वो नहीं विवेचना जो जो मन में आया तो इच्छा के अनुसार ही उन्होंने बर्ताव करते हैं आचरण आच, आचरण करते हैं और सत्यम तेसु न विद्यते जो इस प्रकार आचरण करने वाला प्रवृत्ति निवृत्ति को न जानने वाला तो वो कहाँ सत्य बोलेंगे सत्यम वो तो क्योंकि अगर सत्य बोलेंगे आपको शरीर निर्वाह करना मुश्किल हो जाएगा और आप ईश्वर कैसे बनेंगे तो असत्य का ही आश्रय लेकर ही वो जीते हैं आसुरी स्वभाव इसलिए न शौचम च आचारो न सत्यम ते सुद्य जो आसुरी है वह यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उनमें ना तो पवित्रता ना उचित आचरण और न ही सत्य पाए जाते हैं है ना? तो ये असुर स्वभाव है <coughs> और वो क्या कहते हैं सुनिए ये जगत को सृष्टि को वो क्या बतलाते हैं असत्यम अप्रतिष्ठम अप्रतिष्ठित ते जगताहु अपरस्पर संभूतम कि काम कामहैतुकम <coughs> असत्यम अप्रतिष्ठितम अप्रतिष्ठम तो ये संसार ये जगत है ना ये सृष्टि जो दृश्यमान जगत हम देखते हैं तो ये कहते हैं यह इसका सत्यता नहीं है इसमें सत्यता नहीं है है ना? और इसका कोई आधारभूत वस्तु नहीं है कि ये संसार स्थित है आज है कल नहीं रहेगा असत्यम और अप्रतिष्ठम ये ये इसका जिसमें वो स्थित है है ना प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा यानी आधार जैसे हम बैठे हैं ना फर्श पर कुर्सी पर कुर्सी हमारा आधार फर्श हमारा आधार है तो इस प्रकार ये जगत का कोई आधार नहीं है ऐसे ही और ये आधार विहीन ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हो गया है ना? ते आहुहू ये आसुरी लोग ऐसे ही कहते हैं जगत आहुहु अनिश्वरम ये ईश्वर भीन्न है ईश्वर नाम का को कोई व्यक्ति नहीं है ये संसार में ईश्वर नाम का को कोई व्यक्ति ये सृष्टि को चलाने वाला उत्पन्न करने वाला सृष्टि करने वाला चलाने वाला वो कोई ईश्वर विश्वर नहीं है तो फिर ये ये ईश्वर नहीं है जगत ये संसार कैसे चलता है ये कहते हैं अपरस्पर संभुतम किम काम अहेतुकम ये परस्पर काम प्रेरित होकर स्त्री पुरुष में जैसे काम प्रेरित होकर उन्होंने संभोग से संतान उत्पन्न करते हैं तो ऐसे ही वस्तुओं का मिलन से ये जगत सृष्टि हो गई इसका कोई ईश्वर फिसर नहीं है नहीं अनिश्वर <coughs> जगत आहो अनिश्वरम ये कहते हैं जगत का कोई ईश्वर नहीं है यही है आसुरी स्वभाव वाले पहले भगवान को ही निराकरण करते हैं अस्वीकार करते हैं कि ईश्वरनांग वस्तु है ही नहीं तो उनका नियम उनके द्वारा बनाए गए वेद वेदांत जो नियम है उनको हम क्यों पालन करें हमारी इच्छा हमें जैसे चाहें वैसे ही करें अपरस्परसंभतम की मन्नत कामहेतुकम वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता अगर ईश्वर हो तो इसको नियंत्रण करेंगे ईश्वर का अर्थ नियंता तो कोई ईश्वर नहीं तो नियंता कहाँ से नहीं? इसका कोई ईश्वर नहीं होता उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होना उत्पन्न होता है और काम से अतिरिक्त और कोई अन्य कारण नहीं है इस संसार में ये वैचित्रता कैसे इसका कोई सृष्टा नहीं है सृष्टि करने वाला तो इस इतने बड़े संसार का ये कैसे कैसे आडम्बर है ये कहते हैं उसमें क्या बड़ी बात है आपने आपने पान खाते हैं तो उसमें सुपारी है कत्था है पान है चून है ये सब मिला दो पांच सभी का कलर अलग अलग है और चुबा चुबा और थूको देखो कैसे लाल लाल होगा तो कैसे हुआ वस्तुओं का मिलने से ऐसे ही है ये कहते हैं इस प्रकार भगवान कहते हैं एताम दृष्टिम अवस्टभ्य नष्टात्मनोल्पबुद्धय प्रभवती उग्रकर्माण क्षयाय जगत हिता एताम दृष्टि में अवश्य इन्हीं के मत को आश्रय करके ये नष्ट परलोक का जो साधन से ये वंचित न परलोक भी नहीं उनका नष्ट आत्मा अल्पबुद्धे इस, इस लोक में भी कल्याण का हित को नहीं जानते हैं, और परलोक का भी इस वो अल्पबुद्धि वाला है और इस प्रकार उग्र कर्म में प्रवृत्त होकर जगत का अहित नाश के क्षया जगत हित जगत के नाश के लिए ही ये प्रयत्नशील है जगत का अहित में ही हमेशा इनका कार्य है है ना जैसे हम देखते हैं ना न्यूज़ सुनते हैं सब विपक्षी सब हमेशा वो जो सत्ता वाले जो करते हैं तो उनका ठीक अपोजिट ही बोलेंगे उसी प्रकार ये प्रभु ने सृष्टि की है और ये विनाश के लिए ही तैयारी उनको मानते ही नहीं इसलिए कहते हैं एताम दृष्टि ये कौन है इस प्रकार कहने वाला ये कहते हैं लोकायतिक ये चार चारवाक चार वाक नाम के एक आचार्य हो गए वास्तव में चार चार वाक को कोई एक व्यक्ति विशेष आचार्य नहीं है ये वेद का उन सेक्शन उन्होंने चुन चुन कर लिया है क्योंकि बहुत स्वभाव के लोग होते हैं तो उन जो उनको अच्छा लगे चारु व्यक्ति चारु वाक, चारु वाक, तो ये कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूत देह से देह से पुनरागमनम कुतः अरे कोई देखा पुनर्जन्म आप कल्पना करते हैं वो कल्पना आपका सही है कि गलत है आप आप बोलते हैं हम इसको गलत समझते हैं है ना अरे जब तक जीवित तो है तब तक ऋण कर घी खाओ पैसा कहाँ से लाएंगे हमारे पास पैसा नहीं ऋण करो ऋण फिर चुकाएंगे अरे बस मरने का बाद कौन जा कौन आता है कौन किसका ऋण चुकाएगा भस्मी हो तस् देह से पुनरागमन यही है इनका चार वक्त मत को ये कहते हैं एताम दृष्टि में नष्टात्म नोलबुद्धय प्रभवंती उग्र कर्माण क्षया ऐसे ही, ही निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है ऐसे ही आसुरी योगी आ, नहीं अनुपयोगी एवं भयाभय कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है तो उनका सारे कर्म संसार का विरोध है क्षयाय जगत जगत क्षा इनका सारे चेष्टा और ये सब जगत का अहित में है <coughs> काम आश्रित दुष्फुर दंभ मान मदान मोहाद गृही सद्ग्रहा प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता <coughs> कामम आश्रित दुष्पुरम इन कामना इच्छाओं से ये परिपूर्ण है जिन इच्छाओं का कभी पूर्ति नहीं होने वाले चिंताम अपरिमे आगे कहेंगे तो कामम आश्रित दुष्पुरम जिसको पूर्ण करना जिस कामनाओं को पूर्ण करना असंभव है इस प्रकार कामनाओं से वसीभूत होकर दंभ मान समन्विता दंभ और मान हमेशा दंभ और मान हमेशा वो हमेशा सबसे सम्मान का आशा रखते हैं लेकिन किसी से वो किसी से मैं किसी को ये सम्मान नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उनका मन में मेरे से अगर कोई बड़े हो सभी गुण में ज्ञान में सभी गुण में अगर कोई बड़े हो तभी मैं मैं उसको उसका अंदर उत्कर्षक उत्कर्षता को देखकर मैं उसको नतमत मस्तक हो तो मेरे से तो कोई बड़े है ही नहीं मैं किसको झुकूंगा आगे कहेंगे प्रभु ये स्तब्ध है अप्रणत स्वभाव किसी को प्रणति व सर झुकाना उसका बस की बात नहीं है मोहात गृहता अविवेक के कारण ग्रहण सभी असद, असद वस्तुओं को ये एकीभूत करते हैं ग्रहण करते हैं और सत वस्तु को निराकरण करते हैं स्वीकार नहीं करते ईश्वर सत वस्तु है उनको आ, उनको ये कहते हैं अन ईश्वर है ना तो ये कहते हैं मोहात् सत सदग्रहण सद प्रवर्तनते असुचिव्रता और इस प्रकार ये सब असुचि व्रतलिया है न सारे गंदे काम जो कि सब नाश के कारण अहित के कारण उसी में ही व्रत रखकर प्राण प्रण कर, कर उन्होंने संसार में प्रवृत्त होते हैं कभी न संतुष्ट होने वाला काम का आश्रय लेकर तथा गर्भ के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं उनका यही है व्रत व्रत चिंताम परिमेयां चलयांता मुकाश्रिता कामोपभोग परमातावित है। आशा पाश सतेर वद्धः काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम मन्यायेन अर्थ संजयन <coughs> चिंतां अपरिमेय इनका अंदर इतना प्रबल कामना इच्छाएं हैं जिनको नापना संभव नहीं अपरिमेय अपर्याप्त पर्याप्त नहीं बहुत है ना चिंता अपरिमेय च प्रलयांता उपाश्रिता मरण पर्यंत ऐसे ही चिंताग्रस्त होते हैं रहते हैं है ना उपाश्रिता काम उपभोग परमा काम इंद्रिय भोग तृप्ति के ये परमा जीव का जीवन का परम लक्ष्य ये मानते हैं काम ही इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है लेकिन लेकिन जो दैवी संपद वाले होते हैं भगवान का भक्त होते हैं वो हमेशा तपस्वी होते हैं तपस्या करते हैं तपस्या चीते ब्रह्म तपस्या से ही है ना तपस्या का अर्थ होता है तपस संताप जानबूझकर जान इंद्रियों को क्लेश देना कष्ट देना इंद्रियां जो चाहती हैं तो उनको रोकना स्वाभाविक उनका प्रवृत्ति को रोकना ये है तपस्या लेकिन ये इनमें नहीं है ये तो काम और भोग का भोग ही जीवन का परम लक्ष्य बना कर रखे हैं एता, एता एता निश्चित इस प्रकार वो कहते हैं निश्चय कर रखे और आशा पाश सतर्व्धा काम क्रोधपरायण है सैकुड़ आशा पास से ये बंधे हुए जकड़े हुए हैं काम क्रोध से संलग्न है काम क्रोध परायण ईहंते चेष्टन्ते चेष्टा करते हैं काम आ, काम भोगार्थम है ना इंद्रियों को भोग देने के लिए इनका चेष्टा वो चलाते रहते हैं अन्यायन अर्थ संचयन कह, कहा था न अन्यायन जो अर्थ है भोग के लिए जो अर्थ उन्होंने संग्रह करते हैं ये केवल अन्यायपूर्वक न्यायपूर्वक आप शरीर निर्वाह करने के लिए व मुश्किल आप धन इकट्ठा कर सकते हैं अन्याय से ही धन इकट्ठा होता है है न काम भोगार्थम अन्यायन अर्थ संचयन उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का ही मूल आवश्यकता है इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं कभी न्यायपूर्वक नहीं धन संग्रह न्यायपूर्वक नहीं हो सकता है जो भी हो सभी अन्यायपूर्वक धन आवश्यकता से जो अधिक है उसको अन्याय उपार्जित धन कहते हैं <coughs> अब अब कहते हैं इदम मया इदम मैं लब्धमीमें प्राप्ति मनोरथम इदमस्तिदमी इदम इदमस्तिदमी मे भविष्य पुनर्धनम असौ मया हत शत्रुर्षे चापरान भी ईश्वर हम अहम भोगे बलवान सुखी आढ़्य अभिजानन अस्म कौ को अन्य अस्थिर सदृशमया अस्मि को अन्य अस्ति सदृशमया मेरे से बढ़कर और मेरे समान बराबर तो कोई नहीं मेरे बढ़कर कौन होगा ये दायामी मोदीश इत्य ज्ञान विमोता इदम अद्य मै लब्धम आज मेरे पास इतना है मैंने इतना इकट्ठा कर लिया इतना संग्रह कर लिया प्राप्त से मनोरथम और ये जो मेरे इच्छा है मनोरथ है इसको भी प्राप्त कर लूँगा इदम अस्ति इदम अपि मैं भविष्य ये तो मैंने प्राप्त कर लिया है इदम अस्ति इसको प्राप्त कर लिया है और इदम अपि मैं भविष्य और ये भी जो बचा हुआ है ये भी मेरे भविष्य में वे भी मेरे हो जाएंगे ये जो धन है मेरे हो जाएंगे असौ माया अतः शत्रु ये जो शत्रु है ना ये मेरे द्वारा मारा जा चुका है अतः हनिश्चय हा। चाप रहे और जो कुछ बचे कुछ हैं तो उनको भी खत्म कर दूंगा ईश्वर हम क्यों कैसे आप में इतना सामर्थ्य कहाँ से आया आपने आ, आ, इनको मार देंगे मार दिया और मार देंगे ऐसे कह रहे हैं एक दिन हम मैं ईश्वर हूँ मेरे सामर्थ्य है मैं सबको मार मार सकता हूँ ईश्वर हम अहम भोगी मैं ही भोगता मैं ईश्वर हूँ भगवान कहते हैं भोक्ता रम यज्ञ प्रसम सर्वलोक महेश्वर ये कहते हैं नहीं नहीं ईश्वर फिसर कोई नहीं है मैं ही ईश्वर हूँ मैं ही अपने के ईश्वर मानते और दूसरे ईश्वर को नहीं असली ईश्वर को नहीं सिद्ध हम सिद्ध यानी पूर्णता को मैं प्राप्त हो चुका हूँ मैं पूर्ण हूँ सिद्धो हम और बलवान मैं मैं मारने के समर्थ हूँ बलवान और सुखी मैं बलवान होने के कारण मैं सुखी हूँ <coughs> आढ़्य अभिजनवानस अभिजानवानसमी को अन्य अस्थि सदृशमय मैं आढ़्य धनवान हूँ और अभिजन मैं कुली न हूँ उच्च कुल में मर, मेरा जन्म है है ना और अन्य को अस्ति सदृशमया मया सदृश अन्य को अस्ति मेरे समान और कोई संसार में है ही नहीं यक्ष दास्यामी मैं यज्ञ करूँगा और उसमें मैं दान दूंगा दास्यामी और उससे मैं हर्षोक प्राप्त मोदी मोद हर्ष को प्राप्त इति ज्ञान विमोहिता इस प्रकार ज्ञान से अज्ञान से ही ये ये मोहित होकर इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले कहते हैं तो प्रभु का कहना का तात्पर्य है कि समझो हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है जो स्वभाव है ये इनमें टाली करते हैं ना इससे भी है तो इनको अलग करके अगर हम भगवान का भक्त बनना चाहते हैं उनका भक्ति करना चाहते हैं तो इन गुणों को बहुत दूर फेंकना पड़ेगा अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं अनेक चित्त विभ्रांत चिंता उनका भ्रांत है है ना <coughs> ब्रह्म वस्तु के ही सत्य मानते हैं और सत्य वस्तु को ही भ्रम मंत्र और ऐसे ही एक दो नहीं अनेक चित्त विभ्रांता और मोहरूपी जाल से पूरा फंसे हुए जैसे मछली है ना केवट मछली को फंसा लेता है इसी प्रकार ये सो अनेक चित्र भ्रांत चित, चिंताओं से ये फंसे हुए हैं mm. चित्त विभ्रांता जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती इस प्रकार जो काम भोग में अत्यंत प्रसक्त है आसक्त है प्रसक्त है ना, प्र आसक्त है उस इस प्रकार काम भोग को भोगते हुए नरक में जा गिरते हैं इसलिए कहते हैं इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं है ना, नरक में नर का अभी बताया काम क्रोध लोभ ये तीनों का तीनों अस्त्र इनका शोहालों का तो ये सब नर के जाकर गिरते हैं फिर कहते हैं आत्मा आत्मा संभाविता स्तब्ध धन मान मदान्वित यजन तेनाम यज्ञ दम्भेनाधिपूर्वकम आत्मसंभाविता अपने <coughs> को प्रतिष्ठित करने अपने को प्रतिष्ठित मानते हैं है ना, श्रेष्ठ मानते हैं आत्मसंभाविता और उस स्तब्ध स्तब्ध यानी अप्रणत स्वभाव किसी को झुकने वाला नहीं है सभी को चाहते हैं झुकाने के लिए है ना स्तब्धा क्यों ना धन मान धन से और मान सम्मान का है ना पूज्य भाव मन में रखते हुए वो दूसरे को अपने दूसरे को झुकने के लिए आ, वो कहते हैं लेकिन खुद किससे झुकना नहीं चाहते हैं स्तब्धा धनमान मदान्वित है यजंत नामय और ये जो यज्ञ करते हैं केवल नाम कमाने के लिए और ये कहते हैं दम्भिन अविधि पूर्वक जितना भी यज्ञ करते हैं कोई शास्त्र को उल्लंघन करके ही वेद विहित जो यज्ञानुष्ठान को परित्याग करके अपने अपने इच्छा के अनुसार ये यज्ञ करते हैं यजंते नाम यज्ञ दम्भे न अविधि ये दम्भ इस इत, इतना क्योंकि धन है बल है तो दम्भ है ना तो ये अविधिपूर्वक इस प्रकार अपने को श्रेष्ठ मानने वाला तथा सदैव घमंड करने वाला संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं यज्ञ तो करते हैं पर वो पूर्वक नहीं अविधिपूर्वक अवित केवल नाम कमाने के लिए ही अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम मामात्म मामा परदेहेशु प्रद्य अभ्यश्विका अहंकार बलम दर्पम अहंकार बल और दर्प है ना अहंकार हम जानते हैं है? मैं, मैं मैं कर दिया मैं ही सब कुछ जो मैं मैं हैं यही अहंकार है है ना अहम 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 करोती थी अहंकार और बलम शारीरिक बल भी है और दर्प दर्प यानी गुरु ज्येष्ठ श्रेष्ठों का प्रत्याख्यान उनका सम्मान न करना ना? ये है ना यह दर्प है काम क्रोध है ना काम इच्छाओं के वसीभूत होकर और जब इच्छा बाधित तो होते हैं तो क्रोध क्रोध में भी इनका आश्रित होकर मामात्मा परदेशु भगवान कहते हैं कि माम मुझे मैं उनके शरीर में और दूसरे शरीर में मैं स्थित जो परमात्मा रूप में मुझको वो द्वेष करता है ईर्षा करता है उनका ईश्वर का उत्कर्षता उनको सह नहीं जाता प्रद्युषंती अभ्यसू का ईर्षालु इस, इस प्रकार ये असुरी ईर्षालु प्रवृत्ति का लोक इस प्रकार अहंकार बलम दर्प काम क्रोधम ससंस्रिता मामात्मा परदे सु प्रद्युषंत अभ्यसुका इस प्रकार ये भगवान को भी वो नहीं मानता है अस्वीकार करता है द्वेष करता है मैं ही ईश्वर और दूसरा कौन है इस प्रकार वो ईर्षा करता है तो अभी प्रभु उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है अब बताते हैं जो इस प्रकार आसुरी स्वभाव संपन्न व्यक्ति इनको किस प्रकार इलाज करा किया जाए प्रभु उनको बताते हैं तीन चार श्लोक में कहते हैं तानहम द्विशतः क्रूरान संसारेशु नराधमान राधमान क्षिपा में अजस्रम अशुभन आसुरीशु एवं आसुरी स्वयं जनिष तान उन आसुरी जो पूर्वक्त जो गुणधर्म असुरों का बताए हैं उन गुणधर्म से स्थित इन क्रूर द्वेषी नराधम को मैं क्षिपा में अजश्रम आसुरी अजश्रम अशुभान अशु अनेक अजस्त्र मतलब अनेक अनेक अशुभ आसुरी योनि में मैं उनको डालता हूँ जाओ वही काम भोग पूर्ति करो क्षिपा अजश्रम अशुभन आशुरीशु एवं ज्योनिषु इस प्रकार जो मुझसे द्रोह करते हैं जो क्रूर स्वभाव वाले हैं और इन मनुष्य में अधम है नराधम है ना? क्रूरान संसारेशु नराधमान तो उनको मैं इसी प्रकार अनेक आसुरी जो अशुभ आसुरी योनि में मैं उनको डालता हूँ जो लोग ईर्षालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं उनमें निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता हूँ तो क्या होगा आसुरी योनि में डाल देंगे तो क्या होगा ये कहते हैं आसुरी में योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम प्राप्व कौमते यो तो तो या अधमाम गति <laughs> आसुरी में योनिमापन्ना इस प्रकार स्वभाव वाले को मैं आसुरी योनि में अशुभ आसुरी योनि में जब डालता हूँ तो आसुरी योनि को प्राप्त होकर ये मूढ़ अज्ञान ये जन्म जन्मांतर मुझे प्राप्त न होकर माम अप्राप्यव तो तत्व तो अधम और उससे नीचे के ओर और, और चले जाते हैं और कोई है नहीं और ऊपर को उठने के लिए कोई उनके पास उपाय नहीं है ना माम अप्राप्य हुआ क्योंकि ऊपर को आना है तो प्रभु का शरण में जाना है प्रभु ही केवल तेसा हम समुधरता मृत्यु संसार सागरात भवामी ना चिरात पार्थ मैं चेत कहते हैं जब मई आवेशित चेत हो तभी मैं इस प्रकार आ, आ, भवसागर से मैं उनको उधार करता हूँ ऊपर की ओर भेजता हूँ तो ये तो मुझसे द्वेष करने वाला है ये क्रूर नराधम और दुष्ट है तो उनको मैं इसी प्रकार अधम योनि में डालता हूँ माम अप्रापैव कौंत्य ततुयाति अधमाम गतिम <coughs> त्रिविधम नर ये जो जो अधमा गति है तो ये <coughs> अध्वानगति कहाँ है किस प्रकार है ये कहते हैं त्रिविधम नारकस्य इदम् द्वारम् नासनमात्मनः कामः क्रोधः स्तथा लोभः स्तस्मात् एतम् त्रयम् त्यजेति त्रिविधम नारकस्य इदम् द्वारम् आत्मन है ना आत्मनः नाशन द्वारम् त्रिविधम इदम् नारकम् ये जो नरक है ये है ये तीन प्रकार द्वार वाला है ना हाँ। त्रिविधम नरक से इदम द्वारम क्या क्या है ये कहते काम क्रोध तथा लोभ ये तीन नरक के द्वार है राजपथ है तो काम क्रोध तथा लोभ एतम एक त्रयम त्यजेत अर्जुन से बता रहे हैं कि देखो ये अर्जुन <coughs> तुम इस प्रकार काम क्रोध और लोभ ये तीनों से मुक्त रहो है ना? क्योंकि ये तीनों नरक के द्वार है नरक को जान के लिए रास्ता है एतम त्रयम त्यजत। इसलिए तुम इन तीनों को नरक के द्वार स्वरूप काम क्रोध लोभ को त्याग करो ऐर विमुक्त विमुक्तः कौन्ते तम द्वारि स्त्रीभिर्नर आचरत्यात्मन श्रेय स्तोयाति परामंगतिम अभि ऊपर उठने के लिए सीढ़ियाँ बताते हैं कि जब इन कामक्रोध लोभों को परित्याग कर देते हैं एतेर एतैर काम कामक्रोधे काम क्रोध मोहि काम क्रोध लोभ ये तीनों से मुक्त होकर हे कौंते हे कुंतीपुत्र तम द्वारे ये तम रूपी द्वार को द्वार से मुक्त होकर आचरित नर आचरित आत्मन श्रेय आत्मा का श्रेय अर्थात आत्म कल्याण का मार्ग का अनुसरण करता है है ना? इन तीनों काम क्रोध लोभ से मुक्त होकर नर ये श्रेय मार्ग का आचरण करता है जो आत्मा का कल्याण करने वाला तत्व याति परामगति तो, तो, पराम तो फिर इससे परम पद को प्राप्त होता है <coughs> तो ये सब कहाँ से मिलेगा कहाँ से हम संग्रह करेंगे और हमारे आ, <coughs> ये सब काम क्रोध लोभों को हमें परित्याग करेंगे तो ये कहाँ किस प्रकार हम कहाँ से प्राप्त होगा ये कहते हैं यह शास्त्र विधि में उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नौती न सुखम न परामगतिम तो यह शास्त्र विधि उत्सृज्य भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र है ना, शास्त्र का अर्थ होता है शास्ति अननीति शास्त्र जो हमको शासन करता है जैसे हम बा बालक को बच्चे को हम शासन करते हैं ना बेचा बच्चा देखो ऐसे ही न करो ऐसे करो ऐसे शासन करते हैं तो शास्त्र हमको शासन करता है किम कर्म किम अकर्म है ना तीन प्रकार जो कर्म कर्म विकर्म उनका विषय में हमको बोध कराता है और कहते हैं कि किस मार्ग में हमको चलना है तो यह शास्त्र विधि में उत्सृज्य वर्तते काम कारत तो जो शास्त्र विधि विधान को परित्यागपूर्वक अपना इच्छा काम कामकारत अपना अनुसार जो कर्म में प्रवृत्त होता है न स सिद्धि में अवापन न सिद्धि को प्राप्त होता है न सुखम न परामगति न सुख यहाँ सुख कहाँ आएगा तो न सुखम न परामगति जो हमारे परम लक्ष्य है उसको भी नहीं प्राप्त होता है जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उससे ना तो सिद्धि ना सुख ना ही परम गति की प्राप्ति होती है तस्मा शास्त्र प्रमाण व्यवस्थितो ज्ञावा शास्त्र विधानोक मिहारसी इसलिए अतएव हे अर्जुन <coughs> तस्मा प्रमाण तस्मा शास्त्र प्रमाण तस्मास्त्र प्रमाण इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है है ना तो क्यों न कार्य और अकार्य कर्तव्य अकर्त्य अकर्तव्य का बारे में वो व्यवस्था देता है शास्त्र है ना तस्मा शास्त्र प्रमाणम थे कार्य कार्य व्यवस्थित हो कार्य अकार्य में व्यवस्था देने वाला ही शास्त्र है तो शास्त्र विधान उक्तम ज्ञातवा कर्म करत हर्षि है ना अस्मिन् जन्मने अस्थ शरीर स्थित तो ज्ञानत् इस प्रकार शास्त्रोक्त विधान को विधि को ही जानकर उनके निर्देशन में शास्त्र का निर्देश में ही आपको कर्म करना ही पड़ेगा ज्ञानवा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुम कर्तुम इह, कर ततुम इह है ना इस संसार में अथवा इस देह में दोनों एक ही है देह संसार का एक प्रतीक है नमूना है तो इस शरीर में रहकर शास्त्र के विधान को जानकर उसी के अनुकूल ही जो आचरण करता है वो ही, ही शुभ कर्म को प्राप्त होता है अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्र के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है उसे ऐसे ही विधि भी विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्मश ऊपर उठ सकते हैं ना इस प्रकार प्रभु का भगवान श्री कृष्ण का यही निर्देश संसार को कि शास्त्र के प्रमाण के अनुसार ही हमारे आचरण होना चाहिए तभी आत्मकल्याण पा श्रेय मार्ग का अनुसरण करने से ही हमारे जो परम लक्ष्य है भगवत भक्ति भगवत धाम प्राप्ति हो सकती है अन्यथा हम संसार के जितना भोग विलास में हमारा मन इच्छा ये होता है तो मन प्रवृत्त होता है तो उसका नमूना भगवान ने बताया या तो हम आसुरी प्रकृति के होंगे या तो राक्षसी प्रकृति के होंगे ये तीनों इसलिए अलग अलग विश्लेषण पूर्वक भगवान ने बता दिए कि इस प्रकार शास्त्रों को मानकर जो आत्मकल्याण जो श्रेय मार्ग का अनुसरण करते हैं तो उनको ही परमानंद का प्राप्ति होती है हरे कृष्ण